गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव रेड द स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरोज। टुडे वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट स्टोरी ऑफ द सेक्शन रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन सेक्शन के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। Why means क्यों, was means था, थे या फिर थी, joy means खुशी, नीनाज हाउस नीना के घर में, कि नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। आप सबको पता है बच्चों कि उनके घर में खुशी का माहौल क्यों था। उनकी नीना की जो आंट है उसकी शादी होने वाली थी और वो सब उसकी शादी में जाने वाले थे। सो द आंसर विल बी There was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married. क्योंकि नीना की जो आंट हैं उनकी शादी होने वाली थी and all of her family members were going to attend the wedding in Delhi. और उसके सभी family members wedding को attend करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे। Now the next question, why was Nina worried? Worried means चिंता में, कि जो नीना है वो चिंता में क्यों थी, वो परेशान क्यों थी। नीना वॉज वरीड बिकॉज देर वर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट इन हर रूम। उसके रूम में, नेस्ट मीन्स घोंसले में, दो बेबी स्पैरोज थे, दो चिड़िया के बच्चे थे। इफ़ ऑल द फैमिली मेम्बर्स लेफ्ट, अगर सभी फैमिली मेम्बर्स चले जाएंगे एंड लॉक द हाउस और हाउस को लॉक कर देंगे, द पापा एंड मम्मा स्पैरोज वुड नॉट बी एबल टू फीड द बेबी स्पैरोज। तो जो उसके पापा और मम्मा स्पैरो है, उन चिड़िया के बच्चे के जो मम्मी पापा हैं वो उन्हें फीड मतलब खाना नहीं दे पाएंगे, इसलिए नीना को चिंता हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मदर सजेस्ट। सजेस्ट मीन्स सुझाव देना, कि उसकी माँ ने उसे क्या सुझाव दिया। मदर सजेस्टेड दैट दे विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम नीनाज रूम। उसकी मदर ने उसे सजेस्ट किया कि वो सारी चीज़ें नीना के रूम से हटा देंगे एंड लॉक द रूम फ्रॉम द आउटसाइड, और उसके रूम को बाहर से लॉक ताला लगा देंगे। दे विल कीप द विंडो ऑफ नीनाज रूम ओपन, और उसके रूम की जो विंडो है वो खुली रखेंगे, सो दैट द पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम, ताकि उसके चिड़िया के बच्चों के जो पापा मम्मी हैं अंदर आ सके एंड फीड द बेबी स्पैरोज, और उन्हें खाना खिला सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। फाइंड मीन्स मिलना, कि नीना को क्या मिला जब वो शादी से वापस आई, केम बैक वापस आना। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी सॉ टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब नीना शादी से आई तो उसे प्लम्प मतलब गोल मटोल, लिटिल मतलब छोटे, तो उसे दो छोटे छोटे और गोल मटोल चिड़िया के बच्चे दिखे, फ्लाइंग मतलब उड़ना, जो उस रूम में उड़ रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। आपको ये क्वेश्चन आंसर आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न दिस, आपको ये लर्न भी करने हैं। डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाए और आपको व्हाट्सएप पर वीडियोज़ डाउनलोड करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ओके, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।